गुड मॉर्निंग इंडिया, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के साथ द हिंद में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी खबरें। चीन से फैले इस बीमारी के संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने आज बड़ी राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरीब मजदूरों कर्मचारियों के लिए 1,70,00,000 पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर के जरिए बैंक में पैसा पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 15 और बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। कौन सी है वो योजनाएं और कैसे मिलेगा लाभ, सभी बताएंगे आपको आसान भाषा में। और भी धांसू खबर, खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि सच्चे देशभक्त हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। बढ़ते हैं खबरें विस्तार में। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर अनाज दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन के संकट की वजह से कोई भी गरीब खाने को लेकर चिंता ना करे। सभी लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज 3 महीने मुफ्त मिलेगा और 1 किलो दाल भी फ्री में मिलेगा। गेहूं चावल के साथ दाल भी सभी को मिलेगा। हेल्थ कर्मचारियों के लिए किया गया है बड़ा ऐलान। हर एक हेल्थ कर्मचारियों को 50,00,000 रुपए का इंश्योरेंस किया गया है। जी हां, सरकार ने इस संकट से लड़ने में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50,00,000 रुपए का इंश्योरेंस देने का ऐलान कर दिया है। इससे डॉक्टरों, पैरामेडिक और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 8.69 करोड़ किसानों को सरकार देने जा रही है 2,000 रुपए, वो भी अगले 3 महीने तक। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगले 3 महीने तक 2,000 रुपए की राशि मिलने लगेगी, यानी कुल 6,000 रुपए। अप्रैल के पहले ही हफ्ते में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए किसानों को तुरंत राशि पहुंचा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को मिलने जा रही है बड़ी सहायता। गरीब बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को इस कठिन वक्त में दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्हें 1,000 रुपए अतिरिक्त राशि अगले 3 महीने तक दिए जाएंगे। ये 2 किस्तों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे, यानी जितने पेंशन पहले से उन्हें मिल रहे थे उसके अलावा भी अतिरिक्त 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 करोड़ जनधन खाते में महिलाओं को मिलने वाली है 1,500 रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन खाताधार महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और ये स्कीम अगले 3 महीने तक मिलने वाली है। अगर आपके घर में 2 महिला है तो 3 महीने में 1,500 के हिसाब से 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। इससे 20,000 करोड़ जनधन महिलाओं को फायदा होगा। ये डीबीटी यानी डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के जरिए बैंक खाते में सीधे पहुंचाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 महीने तक फ्री में मिलेगा सिलेंडर। इस कठिन वक्त में चिंता से मुक्त करने के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। अन्य धन और गैस की चिंता खत्म होगी। करीब 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 महीने तक फ्री में सिलेंडर दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के माने तो सिलेंडर की संख्या 3 से 5 हो सकती है। दोस्तों, आप सबसे भी निवेदन है कि जल्दी से आप भी इस योजना का लाभ उठाएं और मोबाइल के जरिए सिलेंडर बुक कर लें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 महीने तक ईपीएफ सरकार बढ़ेगी। सरकार अगले 3 महीने तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ओर से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देगी, यानी दोनों की ओर से किया जाने वाला 12-12% का कंट्रीब्यूशन, यानी कुल 24% कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। ये उन सभी संस्थानों के लिए है जिनके यहाँ 100 कर्मचारी तक हैं और उन 100 कर्मचारियों में से 90% तक कर्मचारी 15,000 रुपए से कम की मासिक सैलरी पाते हैं। इससे 8,000,000 से ज्यादा कर्मचारी और 4,00,000 से ज्यादा संस्थानों को फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निर्माण कार्यों में मजदूरों के लिए वेलफेयर फंड की घोषणा की गई। सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि संकट के समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में इनको वेलफेयर फंड से मदद दी जाएगी। 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए ये 30,000 करोड़ का फंड उपलब्ध है।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि कोरोना से पैदा हुए मुश्किल की इस घड़ी में इस फंड का इस्तेमाल इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हित के लिए किया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनरेगा मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी गई है। देश में लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच भारत सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले 5 करोड़ मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी है। मनरेगा तिहाड़ी अब 10% बढ़ोतरी के साथ 202 रुपए कर दी गई है। इसके तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें, इंस्टाग्राम पर भी अब हम हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें, या फिर ट्विटर पर भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। नमस्कार।